दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ऐसी दो आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताऊंगा जिसको खाकर आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो। कमजोरी, थकान, झुर्रियाँ, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों में दर्द, बुढ़ापा, कमजोर इम्यूनिटी, नींद न आने की समस्या, स्ट्रेस, आँखों की कमजोरी, कम दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, पेट फूलना, गैस्ट्रिक होना, मोटापा, डायबिटीज, सर दर्द, बालों का गिरना, हाथ पैरों में जलन की समस्या रहती है तो इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा और लंबे समय तक आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और जवान रहेंगे। दोस्तों आयुर्वेदिक किताब स्टांग रिद्यम के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर रोजाना सेवन किया जाए तो ये हमारे शरीर की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है, साथ ही हमारी त्वचा, पेट और हमारे बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें आपको रोजाना सेवन करना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से हमें जो रोजाना सेवन करना चाहिए वो है आंवला चूर्ण। आयुर्वेद में आंवला को महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। आंवला का रोजाना सेवन करना आपके हेल्थ की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो किसी भी फल में आपको इतनी मात्रा में नहीं मिलता। दोस्तों आंवले में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, जैसे आपको बदलते हुए मौसम के साथ होने वाली कई तरह की बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में खून की कमी है, दमा या फिर अस्थमा की शिकायत है, मेमोरी वीक है, जिन लोगों का लीवर कमजोर रहता है, डाइजेशन सिस्टम वीक है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, आँखों में जलन रहती है, हाथ पैरों में जलन रहती है या फिर सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है तो ऐसे लोगों को रोजाना दिन में दो बार खाना खाने के बाद एक छोटा चम्मच आंवले का चूर्ण और एक चम्मच शहद दोनों को मिलाकर हल्के गर्म पानी के साथ सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को गठिया की प्रॉब्लम रहती है, जोड़ों और घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए भी आंवला बहुत ही फायदेमंद है। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको 5 ग्राम की मात्रा में आंवला पाउडर लेना है और 5 ग्राम की मात्रा में आपको गुड़ लेना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाकर आपको इसका सेवन करना है और इसको लेने के बाद आपको ऊपर से एक गिलास हल्का गर्म पानी पीना है। ये आपको दिन भर में दो बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को लेनी है। अगर एक महीने तक आंवला और गुड़ को मिलाकर सेवन करेंगे तो आपके जोड़ों और घुटनों की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी आंवला बहुत ही फायदेमंद है। रोजाना इसका सेवन करने से खून में शुगर की मात्रा को ये कंट्रोल करता है। इसके लिए आपको रोजाना इसी तरह एक छोटा चम्मच आंवले के चूर्ण को हल्के गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट सेवन करना है। दोस्तों अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, आपको पेट से संबंधित परेशानियां रहती है, कब्ज की समस्या रहती है, गैस्ट्रिक रहती है तो भी आप आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका आप रोजाना एक छोटा चम्मच आंवले का चूर्ण को हल्के गर्म पानी के साथ रात को सोने से पहले लें। ऐसे में आपका पेट सुबह पूरी तरह से साफ होगा और पेट से संबंधित आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएंगे। जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी आंवला चूर्ण रोजाना ले सकते हैं। इसके लिए एक छोटा चम्मच आंवले चूर्ण को हल्के गर्म पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट लें। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जो आपके शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालता है और साथ ही आपके वजन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। दोस्तों आंवले में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसको रोजाना सेवन करने से आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, साथ ही आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर झुर्रियाँ जल्दी नहीं आती। अगर आप रेगुलर आंवले चूर्ण का सेवन इसी तरह से करते हैं तो आपको इसके सभी फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ जो आपको रेगुलर सेवन करना है वो है अश्वगंधा चूर्ण। जी हाँ, अश्वगंधा एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो कई लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकती है। इसको बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो बिना साइड इफेक्ट के अपना काम करती है और बिना किसी दवा के आपके बहुत सारी बीमारियों को ये ख़त्म कर देती है। जिन लोगों को घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों का डाइजेशन वीक रहता है, जिनका खाना हजम नहीं होता, पेट से संबंधित समस्याएं रहती है, कब्ज रहता है, पेट फूल जाता है, पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है तो उनको भी ये ठीक करता है। ये आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है, ये आपकी थकान, अंदरूनी कमजोरी को दूर करता है, आपके दिमाग को शांत करता है और आपके स्ट्रेस को कम करता है। जिन लोगों को नींद न आने की प्रॉब्लम है उनके लिए एक बेस्ट औषधि है। ये आपके दिमाग को शांत करती है जिससे आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। अश्वगंधा चूर्ण आपके दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। ये दोस्तों बच्चों से लेकर बूढ़ों तक
सभी को इसके बराबर फायदे मिलते हैं, लेकिन इसे कैसे कंज्यूम करना है, कितनी मात्रा में कंज्यूम करना है, ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान ये रखना है कि गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताओं को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अश्वगंधा का सेवन करेंगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, सुस्ती महसूस होगी, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो आपको किस तरह से अश्वगंधा का इस्तेमाल करना है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा एक साथ लेना चाहते हैं, यानी कि दोनों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको बराबर मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण और आंवले चूर्ण को मिलाकर रख लेना है। ध्यान रखें कि दोनों चीज़ों की मात्रा बराबर होनी चाहिए, यानी कि 50 ग्राम आपने अश्वगंधा चूर्ण लिया है तो 50 ग्राम आपको आंवले का चूर्ण लेना है। इन दोनों को मिलाकर आपको एक चम्मच लेना है हल्के गर्म पानी के साथ। आप इसे सुबह नाश्ता करने से आधे घंटे पहले ले सकते हो या फिर रात को सोने से आधे घंटे पहले ले सकते हो। ध्यान रखना यह है कि इस गर्मी के मौसम में आपको सिर्फ एक खुराक ही लेना है, यानी कि आप सुबह ले सकते हो या फिर रात को ले सकते हो, और सर्दी के मौसम में आप दोनों टाइम ले सकते हो, क्योंकि अश्वगंधा की तासीर जो है बहुत गर्म है, इसलिए आपको सिर्फ एक खुराक ही लेना है, वो भी हल्के गर्म पानी के साथ। अगर आप रात को इसे दूध के साथ लेते हो तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको इन दोनों के मिक्सचर के पाउडर का एक चम्मच आपको फांक लेना है और ऊपर से एक गिलास हल्का गुनगुना दूध पी लेना है। दूध के साथ आप रात को ही लें। इसके अलावा अगर आप सिर्फ अश्वगंधा पाउडर लेना चाहते हो तो अश्वगंधा पाउडर लगभग 5 ग्राम की मात्रा में एक गिलास गुनगुने दूध के साथ या फिर पानी के साथ रोजाना रात को सोने से पहले ले सकते हैं। इसका सेवन दोस्तों आप लगातार कम से कम एक महीने कीजिए, आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसे जरूर शेयर कीजिए।